दर्शक के हार्ट में आपका स्वागत। मैं आज आपको ये सुझाव देने वाला हूँ कि अपने घर में जितने केमिकल्स हैं उसको निकालने की कोशिश कीजिए। हम लोग साहब जहाँ सर में दर्द हुआ या आंग में कहीं दर्द हुआ तो कोई ना कोई बाम इस्तेमाल करते हैं। ये बाम करता क्या है? ये बाम में कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो आप लगाते ही आपको बहुत ज्यादा जलन होती है। तो क्या होता है, वो जलन की वजह से आपका दिमाग जो है वो जलन के बारे में सोचने लगता है, आपके सरदर्द के बारे में आपको माइंड से स्टिमुलस नहीं मिलता। पर जैसे जैसे ये जलन कम होती है आपको फिर सरदर्द महसूस होने लगता है। तो ये कोई सरदर्द का इलाज नहीं है, ये भी कई केमिकल से बनता है। छोड़िएगा, सरदर्द के लिए बहुत ही बढ़िया होगा कि आप प्राणायाम करें, कुछ योग के आसन करें या सर को कोई अपने ऑर्डिनरी ऑयल से मालिश करें, और अगर आप मेडिटेशन आदि करते हैं तो आपका सरदर्द वैसे ही कम होगा। कुछ प्रेशर पॉइंट्स अगर आप जानते हैं तो वो कीजिएगा, मिनटों में आपका सरदर्द गायब हो जाएगा। ये एक रामबाण है, ये जिंदा तिलिस्मात हैदराबाद में बनती है। ये बहुत ही बढ़िया दवाई है। आपको खांसी हो, नजला हो, सरदर्द हो, बुतरे बूंद आप इसको सर में लगा लीजिए। ये बहुत ही जो है जड़ी बूटियों आदि से बनता है, इसमें ज्यादातर कोई भी केमिकल नहीं होता। बदकिस्मती से आजकल ये लोग प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो पहले कांच की शीशी में आता था। बहुत ही बढ़िया चीज है ये, इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। आप गर्म पानी में पीजिए अगर नद्दा खांसी कुछ ऐसा हो, गले की खराश हो, और अगर आपका स्टमक खराब है, आपको लूज मोशन आदि हो रहे हैं, तो इसके चंद बूंद आप दही में डाल के खा लीजिएगा या छाछ बना के इसमें डाल के पी लीजिएगा, तो आपको स्टमक अपसेट से भी काम देगा। ये कई बीमारियों को आपको काम में आएगा। बहुत ज्यादा है तो आपको तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, मगर छोटे छोटे चीजों को आप ये विक्स है ये आदि चीजों से आप जितना जल्दी छुटकारा पाए उसमें अच्छा है।